अगर गधा कहा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि उसे बेवकूफ समझा जा रहा है। इसी तरह वो लोग जो हर वक्त काम में मगन रहते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि वो जो गधों की तरह काम करता है। पाकिस्तान और इंडिया में गधों को आमतौर पर बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मोटर से चलने वाले इंजनों की मार्केट में आमद के बाद से गुज़श्ता चंद बरसों में गधों के इस्तेमाल में काफ़ी कमी आई है। लेकिन अब गधों के बारे में ऐसी मालूमात सामने आ रही हैं जिसकी वजह से लोग उनकी आबादी दोबारा से बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 8 सितंबर को एक खबर शाया की जिसमें कहा गया है कि रियासत हरियाणा में घोड़ों और गधों पर तहकीक करने वाले इदारे ने एक दूध का प्लांट शुरू करने का ऐलान किया है। अखबार के मुताबिक इसमें हिलारी नस्ल की गधियां रखी जाएंगी और उनका ताज़ा दूध निकाला जाएगा। मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने दावा किया है कि इन गधियों से हासिल होने वाला दूध 7,000 रुपये फी लीटर तक फरोख्त किया जा सकता है। इन खबरों में गधी के दूध के फवायद के बारे में बहुत कुछ कहा गया था। आइए इस फैक्ट चेक रिपोर्ट में जानते हैं कि गधी के दूध से क्या फायदे हासिल होते हैं और क्या इसकी कीमत 7,000 रुपये फी लीटर तक हो सकती है। अक्वामे मुताहिदा के इदारे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गधी और घोड़े के दूध में ऐसे प्रोटीन पाए जाते हैं जो उन लोगों के लिए भी मुफीद हैं जो गाय के दूध से एलर्जिक होते हैं, और ये दूध इंसानी दूध की तरह है जिसमें प्रोटीन और चर्बी कम है लेकिन इसमें लैक्टोज होता है। ये दूध जल्द फट जाता है लेकिन इस दूध से पनीर नहीं बनाया जा सकता। ये दूध कॉस्मेटिक और दवा साजी की सनत में भी इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि इसमें खुलियों की अफादियत और कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने की भी खसूसियात हैं। कहा जाता है कि कदीम मिस्र की हुक्मरान मलका क्लियोपेट्रा अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए गधी के दूध से गुस्से लेती थी। इंडिया के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस की साबिक डायरेक्टर डॉक्टर मुक्ति बासु का कहना है कि गधी के दूध के दो बड़े फवायद हैं। पहला ये कि ये दूध खवातीन के दूध की तरह सेहतमंद है, और दूसरा ये कि इसमें ऐसे अज्जा हैं जो जिल्द की परवरिश करते हैं और उसे नर्म मुलायम भी रखते हैं। डॉक्टर बासु के मुताबिक गधी की दूध से इंडिया में कम मसनूआत बनाई जा रही हैं, लेकिन जब इसकी मांग में इजाफा होगा तो मुश्किलात हो सकती हैं क्योंकि इंडिया में गधों की तादाद में मुसलसल कमी हो रही है। दूध हासिल करने के लिए इंडियन रियासत गुजरात से हिलारी नस्ल की गधियां लाई जा रही हैं। गुजरात की आनंद जरई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डीएन रिंके का कहना है कि एक गधी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा आधा लीटर दूध देती है, और अगर गधी की देखभाल ना की जाए तो ये और भी कम हो जाएगा। तो क्या गधी का दूध 7,000 रुपए का है? यूरोप और अमेरिका में गधी के दूध का कारोबार काफी पहले से हो रहा है, लेकिन इंडिया में अभी सिर्फ इसकी शुरुआत हुई है और ये दूध महंगा है, लेकिन इतना भी नहीं कि इसे फी लीटर 7,000 रुपए तक फरोख किया जाए। सलीम अब्दुल लतीफ मुंबई से veryrareonline.com के नाम से एक वेबसाइट चलाते हैं जो ऊंट, भेड़, गाय और गधी के दूध के साथ साथ घी और दूध का पाउडर भी ऑनलाइन फरोख करती है। सलीम का कहना है कि अगर आप दूध कहीं दूर भेज रहे हो तो इस पे 7,000 रुपए फी लीटर लागत आ सकती है क्योंकि ये जल्द खराब हो जाता है, लेकिन शहर के आसपास ये दूध फी लीटर 5,000 रुपए में मिल जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से एमए करने के बाद दिल्ली की पूजा कॉल ने ऑर्गेनिक नामी एक स्टार्टअप शुरू किया जो गधे के दूध से तैयार की जाने वाली कॉस्मेटिक्स तैयार और फरोख करते हैं। पूजा कहती हैं कि उन्होंने गाजियाबाद और इसके आसपास के ऐसे मजदूरों की निशानदेही की जो गधे पालते हैं, जिनके जरिए वो एक दिन में 300 रुपए कमाते थे, लेकिन फिर पूजा ने उन्हें दूध बेचने पर राजी किया। इब्तिदा में इन मजदूरों के घर की खवातीन ने भी इस बात पर एतराज किया। उनको लगता था कि पूजा कोई जादू टूना कर रही हैं और उनका गधा मर जाएगा, लेकिन फिर उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया। पूजा का कहना है कि वो दूध 2 से 3,000 रुपए फी लीटर पर खरीदती हैं, और फिलहाल 7,000 रुपए फी लीटर दूध कहीं भी फरोख्त नहीं किया जा रहा। गधे के दूध से बने साबुन और जिल्द की नशोनुमा की मसनूआत बड़ी तादाद में ऑनलाइन स्टोर से मिलती हैं। पूजा खुद कहती हैं कि उनका बनाया हुआ 100 ग्राम साबुन 500 रुपए में फरोख्त होता है। तो आखिर इंडिया में गधों की तादाद कितनी है? जहां एक तरफ इंडिया में गधी के दूध की कीमतें 1,000 रुपए फी लीटर से ज्यादा हैं, वहीं मुल्क में गधों की तादाद कम होकर सिर्फ 1,00,000 रह गई है। इंडिया में सन 2012 में की गई जानवरों की गिनती के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद 3,00,000 से ज्यादा थी, लेकिन सन 2019 के आदादोशुमार के मुताबिक इनकी तादाद में 61% कमी वाकया हुई है और अब मुल्क में सिर्फ 1,20,000 गधे रह गए हैं। अगर गधों की कम होती हुई तादाद की सूरत में गधी के दूध की मांग में इजाफा होता है तो फिर इसकी कीमत भी बढ़ सकती है, लेकिन इस वक्त
हमारे फैक्ट चेक की तहकीकात से ये पता चला है कि गधे की दूध की कीमत 7,000 रुपए फी लीटर तक नहीं पहुंची है।